क्योंकि टेरेस पे बहुत बारिश हो रही है। हाय ऑल, विंटर सभी गार्डनर्स का बहुत फेवरेट सीज़न होता है। पूरे साल हम वेट करते हैं विंटर्स का, और जब विंटर सीज़न चला जाता है तब भी बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा सुंदर फूल खिलते हैं और सब्जियाँ पूरे विंटर्स आप घर में उगाकर खा सकते हैं। जो लोग नॉन गार्डनर्स भी होते हैं, आपने देखा होगा उनके घरों में बहुत ज़्यादा गेंदा, गुलदाउदी, पिटूनिया, एकदम गुच्छों में फ्लावरिंग आती है, जबकि उन्हें गार्डनिंग का ABCD भी नहीं पता होता। तो ये होता है मौसम की वजह से। अगर आप भी गार्डनिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप करते हैं बट आप सब्जियां वगैरह सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाते, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इस पूरे वीडियो में मैं छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसके आप बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसी बेसिक सी तैयारियां हैं जो आपको करनी होती है। सबसे पहले अगर बात करें तो मिट्टी की बहुत अच्छी सॉइल मिक्स ज़रूरत होती है हमें, और मैं विंटर की सब्जियों के लिए अलग अलग पॉटिंग मिक्स नहीं बनाती। यूजुअली सब सब्जियों में एक ही तरह का पॉटिंग मिक्स चलता है, तो जितनी भी मेरे पास समर वाली मिट्टी होती है, क्योंकि मैं सालों से गार्डनिंग करती हूँ तो मुझे मिट्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप किसी नर्सरी से या अपने आसपास किसी खेत से मिट्टी मंगवा सकते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है मिट्टी का जुगाड़ करना। जो गर्मी वाली मिट्टी है उसको मैं सीजन टू सीज़न एनर्जाइज करती हूँ। एनर्जाइज करने का मतलब है कि आपको मिट्टी को पॉट से निकालना है और उसको अच्छे से धूप लगानी है। एक दो दिन नहीं, कम से कम भी 10 दिन उसको एकदम कड़ी धूप में ऐसे उलट पुलट के आप धूप लगाएं, और उस टाइम पे मेक श्योर करें कि जितने उसमें अर्थवॉर्म्स है आप उनको सेफली निकाल कर किसी मॉइस जगह में रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करना चाहिए। अर्थवॉर्म्स को किल नहीं करना चाहिए क्योंकि दे आर फ्रेंडली वॉर्म्स। और पूरी मिट्टी को अच्छे से धूप लगाइए। उसके बाद मैं रिच रखती हूँ जो सर्दियों की सब्जियाँ होती है उसकी मिट्टी, तो अगर मैंने ली है 50% मिट्टी तो उसमें मैं 40% कॉम्पोस्ट ऐड करती हूँ। कोई भी घर का बना हुआ कॉम्पोस्ट जो किचन वेस्ट का होता है या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद होती है या फिर वर्मी कॉम्पोस्ट, आपके पास जो भी तरह का जैविक खाद हो आप ले सकते हैं। और उसमें 10% जो बचा उसमें मैं थोड़ी सैंड और लीफ मोल्ड यूज़ करती हूँ। मैं कोकोपीट का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा खर्च करना पसंद नहीं करती गार्डनिंग में। मैं बहुत ही लेस एक्सपेंडिचर में गार्डनिंग करती हूँ, जो भी अवेलेबल थिंग्स है उसमें। तो लीफ मोल्ड भी मैं अपने रोड साइड पे लीव्स कलेक्ट करवा के और उसी से बनाती हूँ लीफ मोल्ड। तो ये परफेक्ट सॉइल मिक्स है, थोड़ा आप रिच रखेंगे, बाकी तो काम नेचर का है, आपको एक अच्छी सॉइल मिक्स दे रही है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मिट्टी में नेमाटोड की शिकायत होती है और जिसकी वजह से प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको लगता है कि सब्जियाँ क्यों ग्रो नहीं हो रही है, और जब हम उसे अप्रूव करते हैं तो आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा उसकी जड़ों में गांठें हो जाती हैं जिसकी वजह से सब्जियाँ ग्रो नहीं कर पाती हैं। ये तब होता है जब हम मिट्टी को सही से स्टेरलाइज नहीं करते हैं। तो एक बार हमने अगर मिट्टी को स्टेरलाइज कर दिया तो 4-5 महीने के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपकी मिट्टी में बहुत अच्छी सब्जियाँ उगने वाली हैं। ये हमने बात कर ली मिट्टी की। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। और फ्लावर्स की बात करें तो मैं उसमें थोड़े लीफ मोल्ड का जो मिक्सचर है वो ज़्यादा ऐड करती हूँ, क्योंकि लीफ मोल्ड और सैंड जो होता है वो सॉइल को बिल्कुल नरम बनाए रखता है, ऐसे जमती नहीं है सॉइल, तो भुरभुरा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल का रूट डेवलपमेंट के लिए। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में मैं लीफ मोल्ड और सैंड ज़्यादा ऐड करती हूँ, और वेजिटेबल प्लांट्स में मैं कॉम्पोस्ट ज़्यादा ऐड करती हूँ। ये हो गई हमारी सॉइल मिक्स की बात। उसके बाद बात करते हैं सीड की। अगर आपकी छोटी फैमिली है और आप सिर्फ एक या दो प्लांट लगाना चाहते हैं, समझ लो 2 टमाटर के, 2 बैंगन के, 2 मिर्ची के, तो सीड लगाना कोई इंटेलिजेंट आइडिया नहीं है। आप कुछ अच्छी नर्सरी से अच्छी हेल्दी सैपलिंग्स लाकर लगा सकते हैं। कोई भी नर्सरी में आप जाएंगे सीज़न के टाइम पर तो आपको सैपलिंग्स मिल जाएंगे। अगर बात करते हैं कि आपकी फैमिली बड़ी है, आप घर के हिसाब से सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप बीज से लगाइए। बीज मैं ऑनलाइन प्रेफर नहीं करती हूँ, बीज मैं अपने ऐसे ही लोकल जो सीड सेलर होते हैं, एग्रीकल्चर की शॉप होती है, वहाँ से लेकर आती हूँ। बहुत अच्छे सीड मिलते हैं लोकल, और 10-20 रुपये के भी आप सीड मांगेंगे उनसे, क्योंकि छत पर हम बड़े बड़े पैकेट सीड के लाएंगे तो एक्सपायर हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा सीड हमें काम नहीं आते हैं। तो अगर आप लोकल शॉप पे बोलते हैं कि हमें 20 रुपये का धनिया दे दे, 20 रुपये की पालक दे दे, 20 रुपये का टमाटर के बीज दे दे, तो वो इजीली आपको बुढ़िया बनाकर देते हैं। तो एक तरह से वो कम खर्च में बहुत अच्छा काम होता है। अगर आप अक्टूबर में सीड लगा रहे हैं तब तो बिल्कुल आप सीड लगाइए, लेकिन अगर आप नवंबर दिसंबर में सोच रहे हैं गार्डनिंग करने की तो सीड नहीं लगाना है, आपको अच्छी हेल्दी सैपलिंग्स लानी है, क्योंकि सीड से सैपलिंग तक आने में 1 महीने का समय ऑलमोस्ट अप्रॉक्स बोल रही हूँ मैं लग जाता है, किसी किसी में 20 दिन में हो जाता है,
लेकिन उतना टाइम जो है नवंबर दिसंबर में फिर नहीं रहता है सर्दियों की सब्जियों के लिए। तो अभी बिल्कुल राइट टाइम है, अगर आपको बीज से लगाना है तो किसी अच्छी सीड शॉप से जाकर आप सीड ला सकते हैं। मेरा जो ये सीड का बॉक्स है इसमें मैं सालों से सीड्स रखती हूँ और जो एक्सपायर हो जाते हैं सीड्स उनको फेंकती नहीं हूँ, उनको एक बार कड़ी धूप दिखाकर एक मौका और देती हूँ। काफ़ी बार वो जर्मिनेट हो जाते हैं, ऐसे एकदम से ख़राब नहीं होते हैं। तो अगर आपके भी सीड जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो आप उनको अच्छे से धूप में फैला दीजिए, कड़ी धूप में, फिर ट्राई करिए, ज़रूर वो जर्मिनेट हो जाएंगे। इसमें जो भी सीड्स हैं पैकेट खुलने के बाद मैं बॉक्सेस में डालने की कोशिश करती हूँ, अगर बॉक्सेस नहीं होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ उनको मैं स्टेपल करके रखूँ ताकि उनमें हवा ना लगे। हमने बात कर ली मिट्टी की, हमने बात कर ली सीड्स की, अब हम बात करते हैं सीड्स को लगाना किस में है। सीड्स को लगाने के लिए मैं ग्रो बैग्स का यूज़ ज़्यादा करती हूँ, छोटे वाले ग्रो बैग्स, क्योंकि जो सीडलिंग ट्रे होती है उसमें मिट्टी बहुत कम आती है और जिसकी वजह से अगर एक दिन भी हमने सीडलिंग ट्रे को पानी नहीं दिया है तो वो सीड्स ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और सीड्स जब लगाते हैं तो उसको मॉइस्ट रखना ज़रूरी है, इसीलिए जब ग्रो बैग्स में हम लगाते हैं तो अगर हम एक दिन पानी भी नहीं दे रहे हैं तो वो काफ़ी टाइम के लिए इनफ होता है और सीड्स एकदम से ख़राब नहीं होती। ग्रो बैग्स को लगाने का एक फ़ायदा और होता है कि जब तक ये प्रोसेस चल रहा है हमारा, एक तरफ मिट्टी सूख रही है, एक तरफ हमने सीड डाला है, एक तरफ हम पॉट्स रंग कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, सारा जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं, तब तक जो 15-20 दिन लगते हैं तो एकदम से हमें सीड को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी में हम कुछ टाइम अगर डिले करके भी करते हैं तो वो ख़राब नहीं होने वाले हैं क्योंकि उसमें इतनी स्पेस होती है, बल्कि आपका जो रूट जो बॉल है वो बहुत अच्छा डेवलप होता है। इसलिए मैं पर्सनली सीड पैकेट्स बहुत प्रेफर करती हूँ और सीडलिंग ट्रे जहाँ तक हो आप अवॉइड करें। इसके अलावा बात करते हैं कि आपको पॉट्स कैसे लेने हैं। सबसे पहले जो पत्ते वाली सब्जियाँ हैं वो बहुत ईजिली ग्रो हो जाती हैं, तो अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो पत्ते वाली सब्जियाँ ज़रूर लगाने की कोशिश करें। बड़ा मज़ा आता है जब हम हार्वेस्ट करते हैं लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स की जैसे धनिया हुआ, पालक हुआ, मेथी हुआ, लाल साग हुआ, गार्लिक, ग्रीन गार्लिक हुआ, ग्रीन अनियन हुआ, इन सब के लिए हमें बहुत डीप फैसल पॉट नहीं चाहिए। जो भी ग्रो बैग्स हो जिसका पैदा कम होता है, जो कम हाइट्स वाले पॉट हैं आप उनको लीजिए धनिया मेथी वगैरह के लिए। बड़े वाले ग्रो बैग्स को मैं काफ़ी बार ऊपर से हाफ फोल्ड कर देती हूँ और उसके बाद उसमें सीड लगाती हूँ ताकि जो है मिट्टी कम लगे और वजन कम पड़े छत पे, क्योंकि उसके लिए इनफ है इस तरह के ग्रो बैग्स। और जो भी आपकी सब्जी की रिक्वायरमेंट हो, जैसे मेरे पास धनिया और पालक ज़्यादा लगता है तो मैं वही ज़्यादा ग्रो करती हूँ, आपके जो भी सब्जियाँ ज़्यादा लगती हो आप वो ग्रो करती। अगर आप बेल वाली सब्जियाँ लगाना चाहते हैं जैसे लौकी हुआ, पम्पकिन हुआ, करेला हुआ, इन सब के लिए हम थोड़ा बड़ा पॉट लेते हैं, समझ लीजिए 15-16 इंच वाला। हमेशा मिट्टी का पॉट प्रेफर करें, प्लास्टिक वाले पॉट्स इतने अच्छे वर्क नहीं करते हैं, हमेशा मिट्टी वाले पॉट्स। इतना अच्छा रिस्पॉन्स प्लास्टिक के पॉट्स में नहीं मिलता है, हमेशा मिट्टी के पॉट्स ही लाना की कोशिश करें। और जो भी हमारे जैसे मिर्ची वगैरह होते हैं, टमाटर वगैरह होते हैं, वो सब 12 इंच के पॉट में भी आराम से चल जाते हैं। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो तो छोटे से छोटे जो पॉट होते हैं 4 इंच के पॉट से लेकर नॉन एंडिंग है, आप कितने बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। उन्हें बस 3-4 महीने फ्लावरिंग देनी होती है तो जब लगाते ही इतनी अच्छी ग्रोथ उनकी आती है। पेटूनिया को अगर आप देखेंगे तो छोटे से 4 इंच के पॉट में भी आप लगाएंगे तो इतना बुशी होकर दिखता है, इतना ब्यूटीफुल दिखता है। छोटे छोटे जो हैंगिंग बास्केट्स होते हैं उनमें भी अगर आप पेटूनिया लगाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग देते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं होती फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। सब्जी वाले प्लांट्स के लिए मैंने आपको बताया है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप सीड लेके आइए। पॉट्स मैंने आपको बताया है कि किस तरह के पॉट्स में किस तरह की सब्जियाँ लगानी हैं। बाकी जो भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो आप मुझे कभी भी DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरी ID है छत पे खेती और सेम एज मेरे चैनल नेम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय। Thank you.